गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी विषय अंग्रेजी में देखिए वर्ड बिल्डिंग अर्थात शब्द रचना। हमें क्या करना है, शब्दों की रचना करना है। यूज द लेटर्स टू मेक वर्ड्स अर्थात चौखट से विभिन्न अक्षरों का उपयोग करके अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो बच्चों यहाँ चौखट दिया गया है, चौखट है देखिए NTRSUCPHK, इन अक्षरों को इस चौखट में दिया गया है। तो हमें करना क्या है, इसी में से शब्दों को चुन करके हमें अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। यूज द लेटर्स टू मेक वर्ड्स। तो हम देखते हैं इसमें से अक्षरों को लेकर के हम क्या करते हैं, हमें शब्द बनाना है, यहाँ से वर्ड बिल्डिंग करना है। तो पहले देखिए हमने सी ले लिया, CUT, तो सी यहाँ ले लिया और यू ले लिया और टी ले लिया, तो कट बन गया। कट माने काटना भी होता है और कतरना भी होता है। दूसरा शब्द हम ले रहे हैं देखिए यहाँ से, दूसरा शब्द NUT ले रहे हैं तो नट बन जा रहा है, NUT नट हो गया। नट अर्थात सुपारी या काष्ठ फल होता है, तो नट बन गया। अब तीसरा शब्द देखिए हम यहाँ से लेते हैं, यहाँ से टी हो गया, TRUCK ट्रक बन जा रहा है। देखिए टी हमने ले लिया, TRUCK ये ट्रक बन गया। अब चौथा शब्द हम लेते हैं यहाँ से देखिए, SUN अर्थात सूर्य होता है, सूर्य बन गया ये। अब पांचवा शब्द हम लेते हैं देखिए, पांचवा शब्द ले लिए PUN हम ले रहे हैं, पन का अर्थ होता है शब्दों का संयोजन, जिसे कहते हैं शब्दों का रोचक संयोजन अर्थात पन होता है। और यहाँ से हम छठा शब्द सिक्स्थ वर्ड ले रहे हैं देखिए, HUT हट ले रहे हैं, हट बन गया ये, HUT हट अर्थात झोंपड़ी होती है, जिसे क्या कहते हैं झोंपड़ी, छठा शब्द बन गया। और देखिए सातवां शब्द हम यहाँ बना दे रहे हैं, सातवां शब्द देखिए टी हो गया, UCK टक बन जा रहा, TUCK टक हो गया। टक का अर्थ होता है पेट भर भोजन करना, टक हो गया। अब हम आठवां शब्द यहाँ ले रहे हैं, PU कट हो गया, नट हो गया, PUT पुट हो गया, PUT पुट का अर्थ होता है रखना या प्रस्तुत करना। नाइन्थ वर्ड देखिए PUSH, एक एक डब्बे में से शब्दों को PUSH पुश, पुश का अर्थ होता है धक्का देना या हमला करना भी होता है पुश। और इसके बाद ले रहे हैं RUSH, दसवां शब्द इसी में से बना दे रहे हैं रस, RUSH रस का अर्थ होता है भीड़, रस अर्थात भीड़।
रस के बाद देखिए और शब्द ले ले रहे हैं हम इसी में से, पी यू यस, पी यू यस, ये पस होता है। पस का अर्थ होता है पीब या मवाद जिसे कहते हैं, पीब या मवाद का अर्थ होता है पस, मवाद भी कहते हैं। थोड़ा फुंसी हो जाने पर शरीर में तो पस या पीस या। अगला शब्द हम लेते हैं एक और, देखिए इसमें से बन रहा है सी यू पी कप, कप बन गया। कितना आसान शब्द है, सी यू पी कप हो गया। कप का अर्थ होता है प्याला। तो इस तरह से बच्चों वर्ड बिल्डिंग के अंतर्गत दिए गए चौखट से हमने यहाँ 12 शब्दों को बना दिया। और इसका वाचन देखिए, कट, कट अर्थात काटना या कतरना। नट, नट अर्थात काष्ठ फल या सुपारी। ट्रक, ट्रक अर्थात सौदागरी या व्यापार को भी ट्रक कहते हैं। सन, वाहन जिसे सन, एस यू एन सन अर्थात सूरज या सूर्य। पी यू एन पन, पन अर्थात शब्दों का रोचक संयोजन। एच यू टी हट, हट अर्थात झोपड़ी होती है। टी यू, टी यू सी के टक, टक अर्थात पेज, पेट भर भोजन करना। पी यू टी पुट, पुट अर्थात रखना या प्रस्तुत करना। पी यू एस एच पुस, पुस अर्थात धक्का देना होता है, पुस अर्थात धक्का देना। रस, रस का अर्थ होता है भीड़, झमेला जो भीड़ होता है। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप वर्ड बिल्डिंग के अंतर्गत अर्थात शब्द रचना के अंतर्गत दिए गए चौखट में से शब्दों को लेकर के इस तरह से शब्द बनाइए। तो इस वीडियो के माध्यम से आप चौखट से बनाए गए शब्दों का आप वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद सभी को।